इसके पिछले वीडियो में फायरबेस ऑथेंटिकेशन को सीखे थे। इस वीडियो में क्रॉड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का डेमो देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में फायरबेस के फायर स्टोर फीचर को क्रॉड एप्लीकेशन के माध्यम से सीखने वाले हैं। क्रॉड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए फायर स्टोर के कुछ मेथड्स हैं, जैसे आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो ऐड डॉक मेथड का यूज करेंगे, और प्रोडक्ट को गेट करना है तो क्वेरी मेथड का यूज करेंगे, और प्रोडक्ट को एडिट करना है तो सेट डॉक मेथड का यूज करेंगे, और प्रोडक्ट को डिलीट करना है तो डिलीट डॉक मेथड का यूज करेंगे। ये फोर मेथड्स हैं, ये फायर स्टोर से गेट होते हैं और इसे यूज किया जाता है। देन फायरबेस का सेटअप करेंगे और ये डेटा को मैनेज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करेंगे। तो इस तरह से क्रॉड एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं। तो अब प्रोजेक्ट का डेमो देखते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, इसमें ऑलरेडी 5 आइटम्स ऐड है। तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ से डेटा लेंगे, तो यहाँ से टाइटल कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल देंगे, प्राइस देंगे और इमेज यूआरएल यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे और कैटेगरी पोर्ट्स देंगे और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। तो प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली और ओके करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो गया। इस प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकते हैं, तो इस एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट करते हैं प्राइस को, तो प्राइस 800 करते हैं और अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए प्राइस अपडेट हो गया। इस प्रोडक्ट को आप डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे ये सर्च बार है, तो इस पर सर्च कर सकते हैं। तो मैं सर्च करता हूँ माई फर्स्ट प्रोडक्ट, और जैसे यहाँ पे गलत टाइप करेंगे तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह से क्रॉड एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे और इसमें और ज़्यादा फंक्शनैलिटी यूज करेंगे, जैसे सॉर्ट करना, यूआई पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए टेलमिंट सीएसएस का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा यूआई है, यहाँ पे टेबल यूज किया गया है। प्रोडक्ट्स के 4 फील्ड्स होंगे, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट नेम और प्राइस और कैटेगरी। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह से क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।